हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लेक्चर नंबर 13। और इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ आपका लास्ट सेक्शन, दैट इज nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट सेक्शन है nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके पार्ट वन आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे एंड पार्ट टू आपके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर कितना होना चाहिए, आपका n होना चाहिए। इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, n, लेकिन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम किसे बोलेंगे, इसको देखो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आर दोज इन विच द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव अकर ओनली इन द फर्स्ट डिग्री, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट डिग्री। द डिग्री क्या होना चाहिए आपका, फर्स्ट, लेकिन ऑर्डर क्या है इसका, n। ऑर्डर इज योर, डिग्री इज योर वन एंड ऑर्डर इज योर n। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर एंड आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर। और दूसरा पॉइंट क्या होना चाहिए कि डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था आपका, y, और उसका डेरिवेटिव मतलब dy वाई बाई डी एक्स या डी एन डिवाइडेड बाई डी ऑफ x टू द पावर n। तो ये जो है वो साथ में मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। क्लियर। अब देखो इसका, द जनरल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द nth ऑर्डर इज डिफाइंड एज, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से होता है आपका। दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन ऑफ nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां पे ये क्या होगा, nth ऑर्डर है मतलब क्या है, हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन, ये इसका हाईएस्ट ऑर्डर होगा एन ऑर्डर, और इसकी डिग्री कितनी है, वन, प्लस पी वन डी एन डी वाई डी एक्स एन ऑफ किसका, डी एन माइनस वन। तो इस तरह से ये क्या होगा, रिड्यूस होता जाएगा, और कब तक होगा, आपका वाई तक, एंड डैट वैल्यू इज इक्वल टू एक्स, जहां पे आपका पी वन से लेकर पी एन जो होता है, जहां पे पी वन से पी एन जो होता है आपका, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये y का फंक्शन नहीं होता है, इसमें y नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है आपका x होता है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स ले रहे हैं। लेकिन अगर हम डी एक्स बाई डी वाई लेते हैं तो ये फंक्शन ऑफ y होता है, जो जनरली हम नहीं लेते हैं, हम यही लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ x होगा, और ये जो कैपिटल x है ये भी आपका फंक्शन ऑफ x ओनली होगा। क्लियर, मतलब ये जो आपने मल्टीप्लाई किया है इसके साथ, डी पी वन से पी एन, दैट इज योर फंक्शन ऑफ x। ओके, तो अगर ये फॉर्म है आपका nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तक का, तो इसका हम सोल्यूशन भी फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप इसके कुछ प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्या है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये जो यहाँ पे आप वैल्यूज देख रहे हो पी वन से लेके आपका पी टू से पी एन, दिस इज योर कोएफिशिएंट। क्लियर, तो ये कोएफिशिएंट आपका अगर कॉन्स्टेंट होगा तो डैट इज योर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट, मतलब आपका जो पी वन से पी वन के बदले आपका क्या हो, कॉन्स्टेंट हो कोई वैल्यू, के वन से लेके आपका के एन तक, के वन से योर के एन, दैट इज योर कॉन्स्टेंट, और ये कैपिटल एक्स जो है आपका अगेन फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे पहला पॉइंट, इफ वाई वन वाई टू आर ओनली टू सोल्यूशन, अब मान लो ये इक्वेशन आपको गिवन है, इक्वेशन वन, ये आपका क्या nth ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और इस इक्वेशन का आपका टू सोल्यूशन है सिर्फ, कौन 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 सा, वाई वन एंड वाई टू आर ओनली टू सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो इस केस में आपका जो होगा सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू, दैट इज इक्वल टू, मान लो यू है, इट इज ऑल्सो इट्स सोल्यूशन, मतलब इसका जैसे लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर के केस में हम देखे थे, वहां पे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमें क्या मिल रहा था, लीनियर इंडिपेंडेंट का केस मिल रहा था, सेम केस में यहाँ पे बोल रहा है कि अगर मान लो y1 और y2 आपका क्या है, इसका टू सोल्यूशन है, दिस इज योर टू सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, तो आपको सी वन टाइम्स सी वन आपका एक कॉन्स्टेंट है y1, c2 भी मान लो एक कॉन्स्टेंट है, तो c2 टाइम्स y2, मान लो ये दोनों का समेशन आपका u है, भी आपका क्या होगा, इज ऑल्सो इट्स सोल्यूशन, is also its solution. वो कैसे? क्योंकि अगर आपने क्या किया, इसे differentiate किया du divided by your dx, और nth order है तो हम क्या करेंगे, dn of u divided by dx of n, तो इस तरह से अगर इसको हम differentiate करें कहां से कहां तक, n से लेके आपका कितने order तक, आपका simple u तक, मतलब d by dx to the power n minus n dn minus 1 u से so on, कहां तक kn u,
तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब यू क्या है आपका, इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। क्लियर है? इसका मतलब यू आपका क्या है, इस इक्वेशन का सोल्यूशन, और यू की वैल्यू आपका क्या है, सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू। तो ये आपका पहला प्रॉपर्टी है। क्लियर? ओके, सेकेंड पॉइंट देखो आप। सेकेंड पॉइंट क्या है, इफ वाई वन वाई टू से वाई वन वाई एन तक, मतलब एन आर द एन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ वन, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है, आर सोल्यूशन ऑफ वन, देन आपका सी वन वाई वन सी टू वाई टू से लेके सी एन वाई वन इक्वल टू यू इज इट्स कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर है? देखो यहाँ पे पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आपने टू सोल्यूशन लिया कि ये nth ऑर्डर है तो इसके क्या होंगे, n सोल्यूशंस होंगे, n डिफरेंट सोल्यूशंस होंगे ना पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इसके टू सोल्यूशंस है, तो आपने लिया कि इन टू सोल्यूशन का जो लीनियर कॉम्बिनेशन है वो भी उसका एक सोल्यूशन है, तो ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं होगा, दिस इज नॉट योर कंप्लीट सोल्यूशन, ये कंप्लीट सोल्यूशन इसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट सोल्यूशन में आपका क्या होना चाहिए, एन नंबर ऑफ आपके क्या होना चाहिए, ये जो आपका कॉफिशियंट सी वन से सी एन क्या है आपका कॉफिशियंट है, वो आपके एन नंबर ऑफ कॉफिशियंट होने चाहिए। क्लियर? तो अगर हम पॉइंट नंबर टू को देखें तो वहां पे क्या है कि वाई वन से वाई एन आर द एन इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ वन, देन सी वन से लेके सी वन वाई वन प्लस सी टू वाई टू से लेके आपका समेशन सी एन वाई वन इक्वल टू यू भी इसका क्या होगा, सोल्यूशन, और वो सोल्यूशन आपका क्या होगा, कंप्लीट सोल्यूशन होगा। बिकॉज जनरल सोल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर कंटेन्स n आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, यहाँ पे क्या होना चाहिए, अगर आपका n ऑर्डर है तो n आर्बिट्री कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन अगर कांस्टेंट की वैल्यू आपकी n से कम हो रही है तो वो उसका कंप्लीट इक्वेशन सॉल्यूशन नहीं होगा उस इक्वेशन का। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसका थर्ड सेकंड पॉइंट क्लियर हो गया, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है आपका। फर्स्ट आपका केस है जब आपका टू सोल्यूशन है, तो ये है, उस केस में भी लीनियर कॉम्बिनेशन एक यू होगा तो वो भी इसका सोल्यूशन होगा। सेकंड पॉइंट में है, अगर आपका nth ऑर्डर है तो इसका n इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो इन सबका भी लीनियर कॉम्बिनेशन उसका एक सोल्यूशन होगा, लेकिन वो उसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ऑफ nth ऑर्डर। अब थर्ड पॉइंट देख लो, अब मान लो कि y इक्वल टू b है, मतलब क्या है, एनी पार्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, जो आपका जनरल इक्वेशन गिवन था वन, ये आपका वन था, दिस इज योर वन, तो इसका एक पार्टिकुलर जो सोल्यूशन है वो क्या है आपका, That particular solution is your y equals to b, मतलब एक particular solution है of one. Then आपका क्या होगा, ये solution भी इसको satisfy करेगा, अगर ये solution भी इसको satisfy करता है तो इसका value क्या हो जाएगा, d to the power n v by dxn plus d n minus 1 v by dxn minus 1 and so on, और इसकी that is equal to x, मतलब ये भी इसका क्या होगा, एक solution, तो एक particular value की एक solution मिली, ये आपकी general solution थी, मतलब ये क्या था, complete solution था with n independent solution, और ये आपका क्या है, पार्टिकुलर है, और केस वन जो था आपका इन केस ऑफ ओनली टू सोल्यूशन था, तो अगर किसी भी इक्वेशन का हमें कंप्लीट सोल्यूशन निकालना है तो क्या करना होगा, बाय एडिंग टू एंड थ्री, टू में क्या था आपका, टू का प्रॉपर्टी था कि आपका वाई वन और वाई टू इसके दो सोल्यूशन है, और थ्री का क्या प्रॉपर्टी था कि वाई इक्वल टू वी के एक कोई भी पार्टिकुलर सोल्यूशन है, तो अगर इन दोनों को हम ऐड कर दिए तो पार्टिकुलर सोल्यूशन प्लस आपका क्या है, टू सोल्यूशन मिलके आपको क्या देगा, कंप्लीट सोल्यूशन दे देगा, मतलब आप क्या लिखोगे, d ऑफ n डिवाइडेड बाय dx टू द पावर ऑफ n u प्लस b, मतलब इसका u था दैट इज इक्वल्स टू u आया था आपको। क्लियर है? तो यहाँ पे हमने लिखा था ना कि c1 y1 प्लस आपका c2 y2 इक्वल्स टू u, ये आया था, और y इक्वल्स टू v हम एक सोल्यूशन लिखे थे, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, u प्लस b अगर हम कर दे तो आपका ये आपका कंडीशन होगा u प्लस b, तो यहाँ पे u प्लस बी जो होगा वो उसका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट सोल्यूशन क्या देगा, पार्टिकुलर सोल्यूशन, और आपका जो आपका गिवन नंबर ऑफ सोल्यूशंस है, सो पार्ट u जो होगा इस केस में, जो पार्ट u आपका निकला, ये दो जो पार्ट निकला, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दिस इज नोन एज योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसे हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, करेक्ट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सी एफ भी लिखते हैं, और y इक्वल टू v जो आता है आपका, इसे हम बोलते हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल, दिस इज नोन एज योर पार्टिकुलर इंटीग्रल, और इन दोनों का जो समेशन होता है वही आपका क्या देता है, कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, मींस वी हैव टू फाइंड क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पार्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द गिवन इक्वेशन टू फाइंड द कंप्लीट सोल्यूशन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक ऑपरेटर की, जिसे हम डी ऑपरेटर बोलते हैं, और इसे हम बोलते हैं ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये ऑपरेटर जो है वो डिफरेंशिएशन करता है, और इसको हम लिखते हैं
डी डिवाइडेड बाई डी एक्स हो सकता है ये डी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर डी ऑफ क्यू डी एक्स ऑफ क्यू एंड सो ऑन. तो यहाँ पे देखो ये डी बाई डी एक्स को हम लिखेंगे डी डी बाई डी एक्स को हम लिखेंगे डी डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर और ये डी क्यू डिवाइडेड बाई डी एक्स क्यू क्या लिखेंगे हम डी ऑफ क्यू. तो यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स कर दोगे तो यहाँ पे अगर डी वाई बाई डी एक्स करोगे तो ये क्या होगा डी वाई. यहाँ पे भी अगर y किया तो ये क्या होगा डी स्क्वायर वाई. अगर यहाँ पे भी y किया तो ये क्या होगा डी क्यू ऑफ y. तो ये जो आपका होता है दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड योर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर. तो आपका जो गिवन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर था ये आपको गिवन था. तो अगर इसको हमें लिखना होगा तो ये क्या हो जाएगा डी टू द पावर एन वाई डिवाइड बाई डी एक्स एन. तो यहाँ पे इसको क्या लिखोगे डी टू द पावर एन वाई प्लस इसको क्या लिखोगे के वन और ये क्या लिखोगे डी टू द पावर ऑफ एन माइनस वन वाई. क्लियर. तो इसको अगर देखो यहाँ पे इसको क्या लिख लोगे ये आपका होगा डी एन वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स एन कर रहे हो तो इसको आप कैसे लिखोगे डी बाई डी एक्स को आपने डी लिखा है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा डी टू द पावर ऑफ एन वाई. क्लियर. और इसके जस्ट बाद क्या होगा ये कॉन्स्टेंट हमने कॉन्स्टेंट कोएफिशिएंट का केस लिया तो ये के वन लिया है हमने. क्लियर. तो ये क्या हो जाएगा आपका के वन और ये क्या हो जाएगा डी टू द पावर एन माइनस वन वाई और सेम ये क्या हो जाएगा के एन वाई इक्वल टू एक्स. क्लियर है. तो इस तरह से हमने क्या किया ऑपरेटर डी को सब्स्टिट्यूट किया इक्वेशन में और फाइनली जो आपको मिला यहाँ से आप क्या कर सकते हो वाई कॉमन ले सकते हो सबसे. तो यहाँ से हमने क्या किया वाई कॉमन ले लिया और ये आपका एक्स हो गया. तो ये जो फॉर्म आता है दिस फॉर्म इज कॉल्ड सिम्बॉलिक फॉर्म. इसे हम क्या बोलते हैं दिस इज कॉल्ड योर सिम्बॉलिक इक्वेशन या सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्वेशन. क्लियर है. अब यहां पे देखो तो ये जो इस कंप्लीट फंक्शन क्या है डी का फंक्शन है ये जो कंप्लीट आपको मिला है दिस इज कंप्लीट फंक्शन ऑफ डी. तो इसे हमने ले लिया एफ ऑफ डी और ये आपका वाई इक्वल्स टू एक्स. क्लियर है. तो ये आपको क्या मिल गया इक्वेशन मिल गया जहां पे एफ ऑफ डी क्या है एक पॉलिनोमियल है आपके डी में जहां पे एफ ऑफ डी की वैल्यू क्या है डी टू द पावर एन प्लस के वन डी टू द पावर एन माइनस वन से आपका कहां तक के ऑफ एन तक दैट इज अ पॉलिनोमियल इन डी. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. ये जो ऑपरेटर डी है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर फाइंडिंग आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो अभी हम देखेंगे. ओके तो नेक्स्ट देखो आपका फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं आपका इक्वेशन क्या था देखो यहाँ पे आपका जो इक्वेशन था वो कुछ इस तरह से था दिस इज योर इक्वेशन दिस ये आपका क्या था ओरिजिनल इक्वेशन था. इस इक्वेशन में हमने क्या किया पी वन से पी एन को हमने क्या लिया फंक्शन ऑफ एक्स ओनली लिया और एक केस हमने लिया दूसरा भी केस लिया जहां पे हमने इसको के वन से के एन के टर्म में लिखा और इसको हमने क्या लिया एक कॉन्स्टेंट लिया और यहाँ पे ये एक्स लिया. तो इस इक्वेशन के ध्यान से देखो इस इक्वेशन के इस पार्ट से हम वैल्यू निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का और इस पार्ट से हम वैल्यू निकालते हैं योर पार्टिकुलर इंटीग्रल का. क्लियर. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या करने वाले हैं पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को जीरो पुट करने वाले हैं. मतलब फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम सिर्फ किसको देखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को देखेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है पहले वो देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान से समझो. सबसे पहले हमने क्या किया था ऑपरेशन ऑपरेटर डी को हमने यूज किया और इस इक्वेशन को हमने सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया और हमें फाइनली इक्वेशन ये मिली एफ डी वाई इक्वल टू एक्स. तो इसी एफ डी वाई इक्वल टू जो आपका एक्स मिला है एफ डी वाई इक्वल टू एक्स. तो यहाँ पे जो आपका एफ डी है डैट एफ डी को अगर हमने ये पॉलिनोमियल है जिसे हम सिम्बॉलिक एक्सप्रेशन बोलते हैं और जब एफ डी एफ ऑफ डी को हम इक्वेट कर दे जीरो से तो ये एक इक्वेशन बन गया. तो इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन. और इस इक्वेशन से हमें क्या मिलती है वैल्यू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू मिलती है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. आपका ये इक्वेशन था सबसे पहला सिंबॉलिक फॉर्म में. इस इक्वेशन में ये जो पॉलिनोमियल था फंक्शन ऑफ डी जो था उसको हम इक्वेट किए जीरो से. इसको इक्वेट करने से जीरो से हमें जो इक्वेशन मिला उसे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं दैट इज योर ऑक्सिलरी इक्वेशन. और उस ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. क्लियर है. तो देखो व्हेन सिंबॉलिक कोएफिशिएंट इक्वेटेड टू दिस इज योर सिंबॉलिक कोएफिशिएंट एफ ऑफ डी इज योर सिंबॉलिक कोएफिशिएंट. व्हेन सिंबॉलिक कोएफिशिएंट इक्वेटेड टू जीरो इज कॉल्ड ऑक्सिलरी इक्वेशन. दैट इज इसका क्या मतलब हुआ एफ डी इक्वल टू जीरो और एफ डी की वैल्यू क्या थी डी टू द पावर एन प्लस के वन डी टू द पावर एन माइनस वन प्लस के टू डी टू द पावर एन माइनस टू से लेके आपका के ऑफ एन इक्वल टू जीरो जहां पे आपका K1
के टू से लेके के एन क्या है आपका कॉन्स्टेंट है, अ कॉन्स्टेंट कोफिशियंट, क्लियर। तो यहाँ पे दिस इज कॉल्ड योर ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अगर ये आपका इक्वेशन है nth ऑर्डर का, अगर ये इक्वेशन है, जैसे कि मान लो आपका एक इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पे x का ऑर्डर क्या है टू, तो यहाँ पे x की टू रूट्स होते हैं x1 x2। तो उसी तरह ये क्या फंक्शन ऑफ d है, यानी फंक्शन ऑफ d का इक्वेशन है, तो यहाँ पे d का पावर n है, तो इसके पास भी क्या होंगे n रूट्स होंगे। लेट रूट आपका क्या है m1 से लेके m ऑफ n बी द रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन, क्लियर है। तो ये मान लो इसका क्या है रूट है आपका ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट को डिस्कस करने से पहले आप अब ध्यान से समझो कि जो ये हमारा इक्वेशन आया एफ डी वाई एफ डॉट डी वाई इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे, यहाँ से हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालेंगे, और आपका जो कंप्लीट सोल्यूशन होगा, आपका सोल्यूशन जो कंप्लीट होगा आपका, वो क्या होगा, दैट इज एडिशन ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। अगर यहाँ पे पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अगर ये x की वैल्यू आपका इक्वल टू जीरो हो जाती है, इक्वेशन मान लो आपको एग्जाम में गिवन है कि यहाँ पे x के बदले आपको सिर्फ जीरो गिवन है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका क्या हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से समझो। अगर x की वैल्यू आपकी जीरो हो जाएगी तो पार्टिकुलर इंटीग्रल एग्जिस्ट नहीं होगा, तो उस केस में आपका जो है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही उसका क्या होगा कंप्लीट इक्वेशन सोल्यूशन होगा। किस और उसमें कंडीशन ये होगा कि जिस ऑर्डर का आपका क्या है इक्वेशन है उतने नंबर ऑफ क्या होने चाहिए आपके कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट होने चाहिए, क्लियर है। तो उसका क्या होगा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अब यहाँ पे आ जाओ कि एफ डी से हमें n नंबर ऑफ रूट्स मिला और उस रूट से उस ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स मिले, तो अब ये क्या करेंगे हम इस रूट्स के कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, क्योंकि रूट्स जो होगा उसके कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट हो सकते हैं, रूट आपके रियल हो सकते हैं, आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो इस तरह से हम डिफरेंट केसेस को डिस्कस करेंगे कि आपके अगर रूट की कैरेक्टरिस्टिक आपको नोन हो तो डायरेक्ट सोल्यूशन आप कैसे फॉर्म कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग द डिटेल क्वेश्चन। आप डिटेल क्वेश्चन को सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हो, बट इससे आपका टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा। ओके, तो देखते हैं सबसे पहले इफ ऑल द रूट्स बी रियल एंड डिफरेंट। मान लो केस वन आपका क्या है कि सारे रूट्स जो है वो रियल है और क्या है आपका डिफरेंट है, तो इस केस में क्या है इन दिस केस द इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू एस, तो ये आपका इक्वेशन था डी टू द पावर एन प्लस के वन डी टू द पावर एन माइनस वन से आपका के एन वाई इक्वल टू जीरो। सो इट बिकम्स, यहाँ पे देखो इसका अगर आपका क्या है कितने रूट्स होंगे एन रूट्स होंगे और सारे रूट्स इसके क्या है डिफरेंट है, क्लियर। तो इसका क्या मतलब हुआ, मान लो रूट्स आपका एम वन से लेके आपका कहाँ तक है m ऑफ n तक है, तो इसका मतलब है कि आपका जो रूट इसको लिखोगे वैल्यू को वो कैसे लिख सकते हो, इसमें क्या होंगे n फैक्टर्स होंगे, तो इस तरह से इस रूट को हम कैसे लिख सकते हैं d माइनस m1 d माइनस m2 से कहां तक d माइनस m ऑफ n, और यहाँ पे y था तो दिस इज y इक्वल टू जीरो, मतलब इस तरह से आप लिख सकते हो सेम जैसे मान लो कि आपने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो इसमें टू फैक्टर होंगे तो उसको क्या लिखोगे रूट टू रूट्स होंगे इसके, तो एक्स माइनस अल्फा लिखोगे और दूसरा क्या लिखोगे एक्स माइनस बीटा, क्योंकि ये अल्फा बीटा इसका रूट है, तो इसको दोनों को आप इस तरह से लिखते हो फैक्टर के फॉर्म में, इसको फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो इसी तरह से इसको क्या कर सकते हैं इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये आपका फैक्टराइजेशन होगा इस इक्वेशन का, क्लियर। तो हमने क्या किया इसको फैक्टर के फॉर्म में लिख दिया, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं यहाँ पे कोई भी टर्म्स आपका जीरो हो सकता है अगर मल्टीपल में है, तो हमने क्या किया जनरल फॉर्म ले लिया डी माइनस एम ऑफ एन वाई इक्वल टू जीरो, ये हम लिख सकते हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं जिससे हम एक फॉर्म कर सके इक्वेशन जो फाइनल सोल्यूशन जो होगा उसको हम फॉर्म कर सके एक जनरल फॉर्म से, तो यहाँ पे ये भी आपका इक्वल टू जीरो हो सकता है, क्लियर। तो हमने क्या किया इसको लिया, ये भी आपका जीरो हो सकता है m1 m2 के साथ भी जीरो हो सकता है, पर ये फॉर्म अगर सॉल्व कर लोगे तो सारे m1 से लेके m2 सारे इसमें क्या होंगे आपके जनरल केस में वैलिड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने लिया d माइनस m ऑफ n y इक्वल टू जीरो, ये आपने वैल्यू ले लिया, तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी है d की वैल्यू है आपकी dy बाई डी एक्स, सॉरी d की वैल्यू d बाई डी एक्स और y यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या हो गया dy वाई बाई डी एक्स, एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं होता ये लिखने का तरीका है, ऐसे मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे d मतलब क्या है d बाई डी एक्स और ये y है तो क्या है dy वाई बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर है सिर्फ d बाई डी एक्स, क्या है आपका वन लिया ऑपरेटर, और ये क्या हो जाएगा m ऑफ n y इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ध्यान से देखो ये क्या इक्वेशन मिला है आपको, अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट लेक्चर में बताई थी इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं लेबनीज फॉर्म बोलते हैं, लेबनीज का लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बोलते हैं, मतलब जो कंप्लीट nth ऑर्डर का था उसको हमने क्या किया आपके nth ऑर्डर से हमने क्या किया फर्स्ट ऑर्डर का लेबनीज का फॉर्म ले आया, क्लियर। ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर लेबनीज, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री लेबनीज इक्वेशन, और इसका सोल्यूशन हमें पता है, इसका सोल्यूशन कैसा होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद सोल्यूशन निकालते हैं। फिर से देखो तो आपको ये इक्वेशन मिल गया,
तो यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो उसकी वैल्यू देखो dy वाई बाई डी एक्स माइनस एम एन ऑफ वाई इक्वल टू जीरो, तो आपको गिवन है dy बाई डी एक्स एम एन वाई इक्वल टू जीरो. ये आपका लेबनीज का क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन. तो यहाँ पे हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स. यहाँ पे हमने वही किया है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स और पी एक्स की वैल्यू कितनी है e टू द पावर ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ एम ऑफ एन डी एक्स. यही आपका क्या है p की वैल्यू है. यहाँ पे देखो ये वैल्यू आपकी क्या है p और ये वैल्यू जीरो क्या है आपका q, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी. तो इसको अगर आप इंटीग्रेट करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा e टू द पावर ऑफ क्या हो जाएगा माइनस ऑफ एम ऑफ एन एक्स. ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें मिल चुका है. अब इंटीग्रेटिंग अगर फैक्टर मिल चुका है तो हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं और सोल्यूशन का फॉर्म आपको बताई हूँ कैसा होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. बार बार इसको याद रखो इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे हमने वही किया है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी. तो यहाँ पे हमने क्या किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी. तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है e टू द पावर माइनस एम ऑफ एन एक्स, तो यहाँ पे हमने वो पुट कर दिया. q की वैल्यू कितनी है देखो q आपका जीरो है तो हमने यहाँ पे जीरो लिया है कंप्लीट जीरो हो गया. अब देखो यहाँ पे c हमने कांस्टेंट लिया. अब ये c किस ऑर्डर के लिए निकाल रहा है cn के लिए, तो फॉर नोटेशन वनली हमने इसको क्या लिया c ऑफ n लिया. अगर फर्स्ट इक्वेशन को हम यूज करते तो c ऑफ 1 लेते हैं nth और आपके कंपोनेंट को फैक्टर को यूज किया तो उसको c ऑफ n लिया हमने. दैट्स इट, इसका कोई और सिग्निफिकेंस नहीं है. तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी हो जाएगी y हो जाएगा c ऑफ n e टू द पावर ऑफ प्लस हो जाएगा ये नेगेटिव है m n x. तो यहाँ से आपको क्या मिल गया y का सोल्यूशन मिल गया. क्लियर? तो कंप्लीट सोल्यूशन आपका क्या होगा अगर आपने सिर्फ एक कंपोनेंट का सोल्यूशन निकाला तो ये आया, और कंप्लीट का अगर आप सोल्यूशन निकालोगे तो ये क्या होगा कंटिन्यूस आपका पहले फैक्टर के लिए दूसरे फैक्टर के लिए और ये था nth फैक्टर के लिए. nth फैक्टर हमने लिया था ना d माइनस एम ऑफ n, ये वैल्यू हमने ली थी अगर याद होगा. देख लो यहाँ पे हमने किसको लिया था, ये फंक्शन हमने लिया था d माइनस एम ऑफ n, ये फैक्टर हमने यूज किया था. तो ये y जो है इसके साथ भी ऑपरेट हो सकता है, किसी के साथ भी ऑपरेट हो सकता है. तो इस तरह से हमें क्या मिला था एक जनरल फॉर्म. मतलब आपका इस केस में क्या होगा कंप्लीट जो सोल्यूशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका डैट इज इक्वल टू आपका हो जाएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिस इज इक्वल टू योर सी वन ई टू द पावर ऑफ एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स प्लस अप टू सी एन ई टू द पावर ऑफ एन एम एक्स. तो यहाँ पर देखो कितने कॉफिशियंट है कॉन्स्टेंट कॉफिशियंट सी वन सी टू से सी एन. तो इस तरह से ये क्या देगा आपका कंप्लीट सोल्यूशन ऑफ वन देगा, पर कंप्लीट सोल्यूशन किसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का. जब x आपका नॉट इक्वल टू जीरो है, जब x इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो पार्टिकुलर इंटीग्रल आपका एग्जिस्ट नहीं होगा. तो इस केस में यही आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? ओके, तो हम नेक्स्ट केस देखते हैं कि मान लो कि टू रूट्स आर इक्वल, आपका दो रूट्स क्या है इक्वल है, मतलब m1 इक्वल्स टू m2 है. तो आपका जो इक्वेशन का सोल्यूशन आया था जब सारे रूट आपके डिफरेंट थे उसमें दो रूट हम इक्वल कर देंगे, जो आपका केस वन था. तो केस वन में हमें ये मिला था, क्लियर, ये इसका सोल्यूशन मिला था. तो यहाँ पे टू रूट्स इक्वल है, मान लो m1 इक्वल टू m2 है तो हमने क्या किया m1 इक्वल टू m2 को हमने m1 ले लिया. तो m1 इक्वल टू m2 है तो y में क्या होगा c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m1x ही होगा क्योंकि ये दोनों ही आपके क्या है इक्वल, प्लस आपका रिमेनिंग जो भी रूट्स है वो लिख दोगे आप. तो यहाँ पे क्या कर सकते हो c1 और c2 यहाँ पे e टू द पावर m1x को हम कॉमन ले सकते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 प्लस c2. अब c1 प्लस c2 क्या है एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का एडिशन भी एक कांस्टेंट होगा. तो इसको हमने क्या लिया एक कांस्टेंट c क्यू ले लिया और आपका ये इक्वेशन आ गया. तो क्या ये आपका सोल्यूशन होगा, क्या ये आपका कंप्लीट सोल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का? नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इट हैज ओनली n माइनस वन आर्बिट्री कॉन्स्टेंट. यहाँ पे कितने कॉन्स्टेंट होना चाहिए, n कॉन्स्टेंट होना चाहिए, लेकिन c1 प्लस c2 के एडिशन से आपका एक कांस्टेंट क्या हुआ रिड्यूस हो गया, इसलिए ये इसका कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है. क्लियर है? तो हमें क्या चाहिए, इसका कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए. तो वो हम कैसे निकालेंगे, तो कंप्लीट सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, आपको ये गिवन है, आपको गिवन है ना कि d माइनस एम वन एंड d माइनस एम वन y इक्वल टू जीरो. क्लियर? क्योंकि दोनों इक्वल है तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं. मान लो कि d माइनस एम वन y को आपने क्या लिया एक z ले लिया. क्लियर? तो ये हम क्यों कर रहे हैं, फॉर फाइंडिंग द कंप्लीट सोल्यूशन. तो इसको हमने z लिया तो दिस z इक्वल टू जीरो. आपको क्या मिला d by dx of z माइनस आपका m1 z इक्वल टू जीरो. अगेन देखो ये क्या है आपका लेबनीज इक्वेशन, सेम आपका ये मिला. तो दिस इज योर लेबनीज इक्वेशन, ये आपका लेबनीज इक्वेशन है. तो इसका अगेन हम सोल्यूशन निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर ऑफ p dx.
तो यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ m1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ m1 dx, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, दिस इज योर e टू द पावर ऑफ माइनस एम वन एक्स, ये आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। तो सोल्यूशन इसका क्या होगा, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1, तो z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है e टू द पावर एम वन एक्स, ये ले लिया, और c1 ये जो है ये जो वैल्यू हो गई ये क्या हो गई जीरो, क्योंकि q की वैल्यू क्या है यहाँ पे जीरो है, तो ये आपका जीरो प्लस c1, तो यहाँ पे आपका z की क्या वैल्यू आएगी, z इज इक्वल टू c1, ये निगेटिव आपका इस साइड जाके पॉजिटिव e टू द पावर ऑफ एम वन एक्स, तो z की वैल्यू हमें मिल गई c1 e टू द पावर ऑफ एम वन एक्स। बट z आपने क्या लिया है, z इज योर d माइनस एम वन वाई, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे आप, तो नेक्स्ट देखो z आपका क्या है, z इज योर d माइनस एम वन वाई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू आपकी कितनी आई है c1 e टू द पावर एम वन एक्स, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स माइनस एम वन वाई, करेक्ट। तो ये आपका इक्वेशन आया, तो ये अगेन देखो आपका क्या ये इक्वेशन कैसा है, दिस इज डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम वन वाई इज इक्वल टू सी वन ई टू द पावर ऑफ एम वन एक्स, तो अगेन ये क्या आ गया, लेबनीज इक्वेशन आ गया, क्लियर है। जहाँ पे ये जो माइनस एम वन है ये पी है, और ये कंप्लीट फंक्शन आपका क्यू है, क्यू आपका और पी दोनों फंक्शन ऑफ एक्स होगा या कॉन्स्टेंट होगा, तो ये फंक्शन ऑफ क्या है, एक्स है कंप्लीट, और ये माइनस एम वन एक कॉन्स्टेंट उसका क्या है, रूट है। तो यहां से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ योर पी डी एक्स, और पी की वैल्यू कितनी है माइनस एम वन डी एक्स, तो ये क्या होगा ई टू द माइनस एम वन एक्स, तो सोल्यूशन अगर आपका क्या होगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्शन फैक्टर q टाइम्स ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स का इंटीग्रेशन प्लस आपका c2, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, एक c2 कॉन्स्टेंट, c1 c2 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि टू रूट्स इसके क्या है आपके इक्वल है, तो पहला रूट के लिए हमने c1 लिया और दूसरे के लिए हम c2 एक कॉन्स्टेंट ले रहे हैं, तो यहाँ पे y इंटू ई टू दिवा माइनस एम वन एक्स, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमें ई टू दिवा माइनस एम वन एक्स मिली है, तो ये हमने पुट कर दिया, डैट इज इक्वल टू योर, अब देखो यहाँ पे Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है C1 e to the power of m1x, तो हमने पुट कर दिया C1 e to the power of m1x, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e to the power of minus m1x dx plus C2, तो यहाँ से आपको क्या वैल्यू मिल गई, ये आपका e to the power of m1x plus e to the minus m1x क्या हो जाएगा e to the power zero, that is equal to one, ये क्या हो जाएगा C1x इंटीग्रेशन, क्योंकि C1 आपका बाहर dx का इंटीग्रेशन x plus C2, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, देखो यहाँ पे y की जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है c1 x plus c2, और ये e to minus m1x इस साइड आया, तो ये आपको y आ गया c1 x plus c2 e to the power of m1x, तो यहाँ पे देखो y का जो सोल्यूशन आया है वो क्या है, टू आर्बिट्री कांस्टेंट में है, वो कौन सा है c1 c2, यहाँ पे c1 plus c2 नहीं हुआ, that is equal to c, मतलब हमें टू कांस्टेंट मिल गया, तो ये आपका क्या देगा, कंप्लीट सोल्यूशन दे देगा, क्लियर है। तो इस ये दोनों के बदले हम ये दो लिखेंगे, मतलब जो दो रूट इक्वल थे उसके बदले ये सोल्यूशन होगा, और जो बाकी रिमेनिंग रूट्स इक्वल नहीं थे उसके सोल्यूशन को यहाँ पे ऐड कर देंगे, मतलब फाइनल आपका कंप्लीट सोल्यूशन कुछ कैसा हो जाएगा, तो कंप्लीट सोल्यूशन जो होगा वो होगा दो रूट जो इक्वल थे इसके लिए सी वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर ऑफ एम वन एक्स प्लस आपका रिमेनिंग रूट्स, क्लियर। अब यहीं पर केस देखो, मान लो कि इसके थ्री इक्वल रूट्स होंगे, तो आप क्या करोगे, सी वन एक्स स्क्वायर सी टू एक्स और थ्री c3 थ्री प्लस ई टू द पावर एम वन एक्स प्लस रिमेनिंग रूट्स, अगर फोर होंगे तो क्या होगा c4 फोर एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री सॉरी क्यू प्लस सी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस योर सी टू एक्स प्लस सी वन, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, जितने नंबर ऑफ रूट्स इक्वल होंगे उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर लेंगे, कुछ इस तरह से आपका क्या हो जाएगा सोल्यूशन, हमारे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट अभी यहाँ पे कितने n है, n कॉन्स्टेंट है, क्लियर। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, ओके okay. तो नेक्स्ट केस देखो, केस थ्री, केस थ्री क्या है, इफ वन पेयर ऑफ रूट्स बी इमेजिनरी, अगर एक पेयर ऑफ रूट्स आपका क्या है इमेजिनरी है, इसका मतलब क्या है, आपका मान लो एक रूट है आपका m1 का इक्वल्स टू अल्फा प्लस जे बीटा, और m2 जो है वो क्या है अल्फा माइनस जे बीटा है, क्लियर, ये आपको गिवन है, तो इसका सोल्यूशन कैसा होगा, तो देखो कंप्लीट द कंप्लीट सोल्यूशन जो इसका कैसा होगा, तो ये दो रूट ये m1 और m2 तो रूट ही है ना, तो इसको जनरल सोल्यूशन हम पुट कर सकते हैं, जनरल सोल्यूशन क्या होता था y इक्वल टू c1, y जो होता था c1 e टू द पावर ऑफ m1 max प्लस आप क्या लिखते थे c2 e टू द पावर ऑफ m2x प्लस आपका so on, इस तरह से आपका होता था कहां तक cn e टू द पावर ऑफ m ऑफ nx, तो m1 के बदले हम क्या लिख सकते हैं अल्फा प्लस जे बीटा, और m2 के बदले क्या लिख सकते हो अल्फा माइनस जे बीटा, तो हमने यहाँ पे ये पुट कर दिया,
तो यहाँ पे देखो ये वैल्यू अगर आपने लिया तो यहाँ पे e टू द पावर ऑफ अल्फा x, इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करती हूँ, यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा है, तो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो इसको कैसे लिखोगे, c1 e टू द पावर ऑफ अल्फा x e टू द पावर ऑफ j बीटा x, पहला आपका टर्म्स है, दूसरा क्या आएगा c2 e टू द पावर ऑफ अल्फा x इंटू e टू द पावर ऑफ माइनस j बीटा x, कुछ इस तरह से लिखोगे बाकी रिमेनिंग रूट्स। तो यहां से क्या कर सकते हो आप, e टू द पावर ऑफ अल्फा x को कॉमन ले सकते हो इन दोनों से, देखो e टू अल्फा x आपका कॉमन हो जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या रहेगा, c1 e टू द पावर j बीटा x प्लस c2 e टू द पावर माइनस j बीटा x और रिमेनिंग टर्म्स। अब यहां देखो इसको और कैसे लिख सकते हो, e टू द पावर j थीटा, तो e टू द पावर j थीटा को आप कैसे लिखते हो, cos थीटा प्लस j sin थीटा, मतलब अगेन इसको फर्दर हम क्या कर सकते हैं आपका इसको सॉल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, तो आपका अगर यहाँ पे वही वैल्यू आपने पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, e टू द पावर अल्फा एक्स तो हमने कॉमन ले लिया था, दिस इज इक्वल्स टू योर e टू द पावर ऑफ अल्फा एक्स, ये आपका कॉमन आ चुका था, ये सी वन हुआ, और यहाँ पे आपका क्या था e टू द पावर जे बीटा एक्स, तो यहाँ पे आप क्या पुट कर सकते हो, कॉस बीटा एक्स प्लस आपका आई है तो आई साइन बीटा एक्स, ये आपका वैल्यू साइन बीटा एक्स, दिस इज योर साइन बीटा एक्स, क्लियर है, और उसी तरह से आपका क्या होगा c2 cos बीटा x माइनस i sin आपका बीटा x, ये वैल्यू हो जाएगी प्लस आपका रिमेनिंग रूट्स जो भी हैं, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा e टू द पावर अल्फा x, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप cos बीटा x को कॉमन ले सकते हो एक साथ, और साथ में क्या लिख सकते हो sin बीटा x को कॉमन ले सकते हो, तो cos बीटा x को कॉमन लिया तो क्या मिला आपको c1 प्लस c2, और sin बीटा x को अगर आपने कॉमन लिया तो आपको क्या मिला, यहाँ से देखो c1 i आपका माइनस c2 i, तो यहाँ पे आपका क्या होगा c1 i माइनस c2 i, मतलब i भी हम कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली क्या हो जाएगा c1 माइनस c2। अब देखो c1 प्लस c2 भी एक कांस्टेंट है और c1 माइनस c2 भी एक कांस्टेंट है, तो मान लो इसको मैंने कैपिटल c1 लिया और इसको मैंने कैपिटल आपका क्या लिया c2 लिया, क्लियर ये ओके। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है इन दोनों c1 से, तो इसको मैं c1 डैश ले लेती हूँ और इसको मैं c2 डैश ले ले रही हूँ, इसको मैंने c1 डैश लिया, इसको c2 डैश लिया, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को हमने c1 डैश और इसको क्या लिया c2 डैश sin बीटा x, और आपका रिमेनिंग रूट्स जहाँ पे c1 आपका c1 डैश जो है c1 प्लस c2 है, c2 डैश आपका क्या है c1 माइनस c2, तो और इसके साथ एक बार i भी मल्टीप्लाई है, तो i मल्टीप्लाई करने से ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये भी आपका एक कांस्टेंट ही वैल्यू होगा, तो इस तरह से इसका हम क्या कर सकते हैं सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं जब रूट्स आपका क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो, क्लियर है ओके। तो लास्ट केस भी देख लो, रूट्स आपका क्या हो सकता है कि टू पेयर्स ऑफ इमेजिनरी रूट्स भी इक्वल, टू पेयर्स मतलब पेयर दो पेयर का इमेजिनरी रूट इक्वल है, मतलब एक तो पहला पेयर हुआ है, ऐसा मान लो कि m1 equals to m2 अल्फा प्लस j बीटा है, और दूसरा पेयर जो है m3 एंड m4 ये दोनों ये इसका भी क्या है अल्फा माइनस बीटा, तो टू पेयर्स ऑफ रूट क्या है आपके इक्वल है, ये पहला पेयर m1 m2 का और दूसरा पेयर क्या है m3 m4 का, इसके रूट्स इक्वल है, इसका सोल्यूशन कैसा होगा, तो ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क, इसको आपको देखना है कि क्या ये सोल्यूशन आता है या नहीं। कैसे करोगे आप, क्या करोगे जो जनरल आपका इक्वेशन था c1 e टू द पावर ऑफ m1x प्लस और c2 e टू द पावर ऑफ m2x से आपका कहां तक c1 cn e टू द पावर ऑफ m ऑफ nx, तो यहां पे आपको क्या करना है फोर रूट्स के बदले m1 के बदले आपका फुट पुट करना है अल्फा प्लस जे बीटा, m2 के बदले अल्फा माइनस जे बीटा, m c3 e टू द पावर एम थ्री एक्स के बदले आप क्या एम थ्री के बदले क्या पुट करोगे अल्फा माइनस जे बीटा, और आपका एम सी फोर ई टू द पावर एम फोर एक्स के बदले क्या पुट करोगे अल्फा माइनस जे बीटा, तो यहाँ पे ये पुट करके सारी वैल्यूज को यहाँ पे डालोगे, सारे आपके जो ई टू अल्फा एक्स के टर्म्स को एक साथ लिखोगे और सारे का आपका क्या करोगे सोल्यूशन निकालोगे, तो आपको ये मिल जाएगा। तो यहाँ इस केस में क्या होगा ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन एक्स प्लस सी टू और दूसरा सी थ्री एक्स प्लस सी फोर, तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो दिस इज योर होमवर्क, आपको इसको सॉल्व करना है, क्लियर। तो इस तरह से हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं, और यहाँ पे आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का कंसेप्ट क्या हो गया क्लियर हो गया। तो हमने क्या किया, हमने स्टार्ट किया था योर कि हमारा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर का फॉर्म क्या होगा, तो ये आपका फॉर्म था जहाँ पे p1 से pn जो था फंक्शन ऑफ x था और x कैपिटल जो था फंक्शन ऑफ x ओनली था, और फाइनली इसको हमने लिया कि कांस्टेंट कोएफिशिएंट का केस में हमने डील किया, तो p1 को हमने रिप्लेस कर दिया k1 से kn तक, और ये आपका कांस्टेंट कोएफिशिएंट का केस हुआ। तो इस केस में पहला हमने केस देखा कि y1 एंड y2 अगर टू सॉल्यूशंस है तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी इसका सॉल्यूशन होगा, और दूसरा केस हमने देखा
कि y1 से y1 अगर n इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है तो वो इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन दे देगा। और थर्ड केस हमने देखा कि y इक्वल टू बी मान लो एनी पार्टिकुलर सोल्यूशन है तो उस केस में वो भी उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन और आपका जो गिवन है कॉम्प्लीमेंट्री, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा मतलब u प्लस v जो होगा उसका कंप्लीट सोल्यूशन हो जाएगा। यहां तक हमने ये देखा प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमने देखा कि आपका ऑपरेटर डी क्या होता है, ऑपरेटर डी से हम कैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन को फॉर्म करते हैं एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो से, और एफ ऑफ डी इक्वल टू जीरो को करके हम क्या करते हैं फाइंड आउट करते हैं हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फॉर फाइंडिंग द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को क्या करते हैं जीरो करते हैं, और ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब हम जीरो करते हैं क्योंकि वो nth ऑर्डर का होता है तो उसमें n रूट्स होते हैं, और इस तरह से आपके n रूट्स के क्या है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के रूट्स के टाइप्स कौन कौन हो सकते हैं, जिसमें पहला हमने देखा कि अगर रूट्स आपका जो है रियल एंड डिफरेंट है, रूट आपका रियल एंड डिफरेंट है तो उस केस में हम कैसे सोल्यूशन निकालते हैं, तो सिंपली हमने लेबनीज इक्वेशन फॉर्म करके इसका सोल्यूशन निकाला और जनरल जो हमारा सोल्यूशन आया वो इस फॉर्म का सोल्यूशन आया जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस सोल्यूशन में किसी भी टाइप के सोल्यूशन को पुट करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। रिमेनिंग थ्री टाइप्स आपको याद हो चाहे नहीं हो लेकिन अगर ये आपको नोन है तो आप सिंपली यहाँ पे जो भी रूट्स की वैल्यू है उसको पुट करो और सोल्यूशन को क्या करो मिनिमाइज करो, आप फाइनली सोल्यूशन को आप फाइंड आउट कर लोगे। तो इस तरह से ये पहला केस था। सेकेंड केस हमने देखा जब टू रूट्स आर इक्वल तो एम वन इक्वल टू एम टू, इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट आपका कम हो रहा था तो इसको हमने क्या किया लेबनीज इक्वेशन से सॉल्व किया और आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की एक जो मिसिंग थी, और इस तरह से हमें क्या मिला फाइनल सोल्यूशन मिल गया था इस इक्वेशन का, कंप्लीट सोल्यूशन हमें फाइंड आउट हो चुका था, ये आपका इसका कंप्लीट सोल्यूशन था। अगर थ्री रूट्स होंगे तो इसके लिए ये था, अगर फोर रूट्स आपके इक्वल होंगे तो इसके लिए हमें ये मिला था। नेक्स्ट हमने देखा था वन पेयर ऑफ रूट्स इमेजिनरी है, मतलब आपका M1 और M2 अल्फा, M1 अल्फा प्लस जेबीटा और M2 अल्फा माइनस जेबीटा है, इस इक्वेशन में हमने पुट किया और इसको सॉल्व किया तो फाइनली हमें यहाँ से क्या मिल गई थी वैल्यू मिल गई थी, और ये जो वैल्यू आई थी ये आपकी इक्वेशन की ये वैल्यू आई थी कंप्लीट वैल्यू, ये जो अल्फा एक्स सी वन कॉस बीटा एक्स सी वन डैश कॉस बीटा एक्स प्लस एनी कॉन्स्टेंट सी टू डैश साइन बीटा एक्स प्लस रिमेनिंग रूट्स। और लास्ट केस हमने देखा था जब आपका टू पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स भी क्या है इक्वल है, तो इस तरह से आपको ये केस का होमवर्क दी हूं मैं जो आपको सॉल्व करना है और देखना है कि ये सोल्यूशन आता है कि नहीं आता है। ओके तो अब हम गेट का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो आपका क्या गिवन है, ये गेट का क्वेश्चन है द जनरल सोल्यूशन ऑफ दिस, तो यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू क्या है जीरो है तो यहाँ क्या निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही इसका जनरल सोल्यूशन होगा। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन गिवन है मतलब हमें सबसे पहले एफ डी फॉर्म करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे सबसे पहला पॉइंट अगर ये क्वेश्चन आपको गिवन है डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, तो इसको कैसे लिख सकते हो ये आपका हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस योर वन वाई इक्वल टू जीरो, करेक्ट यही होगा ना फंक्शन, क्योंकि ये क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, ये आपको देखोगे तो ये फॉर्म मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है एफ ऑफ डी है, तो यहाँ पे ये एफ ऑफ डी को अगर आपने इक्वल किया जीरो से तो आपको क्या मिला डी स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपका माइनस वन का आपका स्क्वायर रूट, यानी क्या है प्लस माइनस आपका आई या जे जो भी ले लो, तो डी की ये वैल्यू आ गई। अगर डी की वैल्यू ये आ गई तो इसका सोल्यूशन क्या होगा जनरल फॉर्म में लिखती हूँ सी वन ई टू द पावर ऑफ एम वन एक्स सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स ही होगा, क्योंकि ये क्या सेकेंड ऑर्डर का है जिसमें टू आपके क्या होंगे रूट्स होंगे, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सी वन ई टू द पावर एम वन एक्स अगर आप करोगे तो क्या लिखोगे सी टू द पावर ऑफ एक जे वैल्यू लोगे और ये क्या लोगे सी टू ई टू द पावर माइनस जे वैल्यू लोगे, तो ये फाइनली आप इसको कैसे लिख लोगे c1 अब e टू बाय j x की वैल्यू अगर लोगे तो क्या होगा ये हो जाएगा cos x प्लस आपका j sin x, करेक्ट, और ये क्या आ जाएगा c2 और ये हो जाएगा आपका cos x माइनस j sin x, करेक्ट। तो यहाँ पे देखो c1 यहाँ से हम cos x को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ से हम sin x को कॉमन ले सकते हैं, तो फाइनली जो आपकी वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू आपकी आ जाएगी दिस वैल्यू is equals to your c1 plus c2 then cos x ये आएगा, और दूसरा टर्म आपको क्या मिलेगा अगर sin x को आपने कॉमन ले लिया तो आपको मिलेगा प्लस c1 माइनस योर c2 टाइम्स योर j और क्या sin x। तो इसको फाइनली क्या ले सकते हो c1 और c2 एक कांस्टेंट आप क्या ले लो मान लो यहाँ पे pq आपको कांस्टेंट दे रहा है तो एक कांस्टेंट हमने ले लिया p cos x और ये क्या ले सकते हो आपका q sin x क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट होगा c1 पर c2 को उसने क्या ले लिया p
और सी वन माइनस सी टू का जे टर्म्स आपका क्या ले लिया इसने, क्यू ले लिया। यहाँ पर सी वन सी टू भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे कौन सा वो कोई भी वैल्यू, लेकिन फॉर्म क्या आएगा आपका, पी कॉस एक्स और साइन एक्स का समेशन, मतलब ऑप्शन ए आपका क्या करेक्ट आंसर है। क्लियर, वेरी वेरी इजी। आपने क्या किया, सिंपल ऑक्सिलरी इक्वेशन को इक्वेट टू जीरो किया, रूट्स निकाला और जनरल जो आपका सोल्यूशन का फॉर्म था उसमें आपने पुट कर दिया। टू रूट्स है, सिलेक्ट आपके ये टू रूट्स का ही फॉर्मेट आपका रिक्वायरमेंट है, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपका गेट का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछ रहा, द सोल्यूशन ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज, इसका क्या सोल्यूशन होगा। ये भी बहुत ईजी है। तो यहाँ पे एफ ऑफ डी की वैल्यू कितनी होगी, अगेन आपका पहला स्टेप वही होना चाहिए क्योंकि ये इक्वल टू जीरो है, तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इसका सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी स्क्वायर प्लस योर डी माइनस सिक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट। तो यहाँ से आप क्या करोगे, डी स्क्वायर प्लस डी माइनस सिक्स जो आपका क्या है एफ ऑफ डी है, उसको इक्वेट कर दोगे जीरो से। तो ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी स्क्वायर प्लस थ्री डी माइनस योर टू डी माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो, क्यों, क्योंकि हमें रूट्स फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी से अगर आपने कॉमन ले लिया तो डी प्लस थ्री माइनस टू यहाँ से कॉमन होगा, तो डी प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी डी माइनस टू और डी माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, टू और थ्री। अगर डी की वैल्यू मतलब टू एंड थ्री आई, मतलब रूट्स एम वन और एम टू की वैल्यू मिल गई, डैट इज इक्वल टू माइनस थ्री, सॉरी, तो एम वन और एम टू की वैल्यू आपको मिल गई, ये आपका d माइनस टू और डी प्लस थ्री। तो यहाँ पे इक्वेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, c1 e टू द पावर m1x वन एक्स, मान लो टू एक्स लिया हमने, और क्या मिलेगा, c2 e टू द पावर ऑफ m2x टू एक्स माइनस थ्री एक्स। तो देखो ऐसा कौन सा फॉर्म गिवन है आपको, कौन सा ऑप्शन में है, e टू द पावर माइनस थ्री एक्स और e टू पावर टू एक्स माइनस थ्री एक्स का ये एक ऑप्शन है, और एक ऑप्शन ये है, और e टू द पावर प्लस टू एक्स का ये ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी आपका क्या है, करेक्ट आंसर है। गेट का क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपका क्वेश्चन है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, क्या है, डी स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू जीरो। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको गिवन है, क्या, वाई इक्वल टू सी वन ई टू द पावर ऑफ माइनस एक्स प्लस योर सी टू ई टू द माइनस थ्री एक्स। तो देखो ये सेकेंड ऑर्डर का है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके टू रूट्स होंगे, तो उसी का रूट्स में ये इक्वेशन है। तो इस इक्वेशन को अगर जनरल फॉर्म से आप कंपेयर करो, जो क्या था आपका, वाई इक्वल टू सी वन ई टू द पावर ऑफ एम वन एक्स प्लस सी टू ई टू द पावर एम टू एक्स, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ से कि एम वन की जो वैल्यू है वो क्या है, एम वन की जो वैल्यू है वो माइनस आपका क्या है वन, और एम टू की जो वैल्यू है वो क्या है आपके माइनस थ्री, करेक्ट, ये आपको दिख रहा है क्योंकि यही इसका रूट है। अब आपको क्या बोल रहा है, देन आपको फाइंड आउट करना है देन पी एंड क्यू की वैल्यू कितनी होगी। तो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है और ये आपको क्या गिवन है, इसका सॉल्यूशन गिवन है, और आपको पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करोगे, तो अगर इसका हमने क्या किया, इक्वेशन फॉर्म किया, तो आपका इक्वेशन की वैल्यू कितनी होगी, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस योर पी प्लस क्यू, ये आपका एफ डी आएगा, क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू योर जीरो। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन होगा इसी से ये रूट आया होगा, क्लियर, क्योंकि ये इसका ही रूट है, अगले इक्वेशन का ही रूट है, इसका क्या होता है सोल्यूशन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये अगर आपका सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है, मतलब सेकेंड ऑर्डर का अगर इक्वेशन है, तो इस केस में इसके जो रूट्स होंगे, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप क्या लिखते थे, अगर एक्स स्क्वायर प्लस आपका वैल्यू एक्स प्लस समथिंग वैल्यू कॉन्स्टेंट इक्वल टू जीरो होता, तो हम क्या लिखते थे रूट में, कि रूट जो होता है समेशन ऑफ रूट, मतलब अल्फा प्लस बीटा अगर आप रूट है तो अल्फा प्लस बीटा को आप क्या लिखते थे माइनस बी वाई ए, और अल्फा इंटू बीटा को आप क्या लिखते प्रोडक्ट ऑफ रूट को क्या लिखते थे सी वाई ए, करेक्ट। तो यहाँ पे भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर का, ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें रूट्स कौन कौन से, अल्फा एंड बीटा के बदले यहाँ पे क्या है एम वन एन टू, तो यहाँ पे एम वन प्लस एम टू आपका क्या होगा माइनस बी वाई ए, और माइनस बी मतलब बी, ये आपका बी है मतलब क्या है ये आपका माइनस बी है, क्लियर है, ये आपका वाई है ना, तो ये इसकी वैल्यू ये हो जाएगी। और यहाँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू अगर हम देखें तो अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि यहाँ पे माइनस वन माइनस थ्री माइनस वन और माइनस थ्री की अगर वैल्यू देखें तो सी बाई ए, सी की वैल्यू क्या है क्यू, और ए की वैल्यू क्या है वन, तो ये आपका ये हो गया, तो क्यू की वैल्यू हो गई वो थ्री आ गई, ये हमें पता चल चुका। और एम वन प्लस एम टू क्या हो जाएगा आपका माइनस फोर इक्वल टू योर माइनस पी, यहाँ पे पी की जो वैल्यू आएगी वो फोर आ जाएगी, क्लियर है। तो देखो पी इक्वल टू फोर और क्यू इक्वल टू थ्री को
p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 3. ओके, तो ये ऑप्शन देखो, p इक्वल्स टू 4 एंड q इक्वल्स टू 3, तो ये इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर. तो आपको आपका बेसिक जो है बिल्कुल ही क्लियर रखना है, जितना बताया जा रहा है क्लास में वो आपका कंप्लीट है आपके गेट के क्वेश्चंस के लिए. आप उससे 90% से ज्यादा क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो. बस क्या, क्लास में जो भी पढ़ाया जा रहा उन सारे क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करो, उन सारे कंसेप्ट को आप क्या करो, बार बार रिविजन करो, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे. ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और अब हमने डिस्कस कर लिया पार्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और उसके बाद हम गेट के क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे. ओके, थैंक यू.